डेली जर्नी ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस समय मैं प्याला ग्राम में हूँ और मैं यहाँ पर आया था और आके अब मैं घर चले जा रहा हूँ। मैं तो ज़्यादा लोगों से बात तो नहीं कर सका, लेकिन हाँ, आने वाले समय के अंदर ज़रूर बातें होंगी लोगों के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, उनकी जो भी समस्या है उनको ज़रूर बताऊँगा। और सही में बोला जाए तो गांव के लोग, सभी लोग बहुत मतलब सच्चे होते हैं और उनका दिल भी बहुत ही अच्छा होता है। और मेरे पीछे आप लोग जो दृश्य देख रहे घरों का, वो मिट्टी के घर है, ताली के घर है और ये लोग जो कामकाज करते हैं और यहाँ पर मतलब इनका खुद की ये ज़मीन नहीं है और ना ही ये जो क्या बोलते हैं यहाँ पर रहते हैं ऐसे ही, क्योंकि इनको इजाज़त नहीं कि अच्छे से घर बना कर रहे। ये ज़मीन जो है इनकी नहीं है, ऐसे बसे हुए, जब बस गए हैं तो गवर्नमेंट यहाँ से इनको कभी भी उठा सकती है और यहाँ पे मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो हमें निश्चित रूप से गांव की और गांव के वाले लोगों की ज़िंदगी के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, बहुत मेहनती होते सही में। और मैं इस वक्त अभी विदा हो रहा हूँ यहाँ से। तो दोस्तों, ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और लोगों तक, आपके दोस्त लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुँचा देना दोस्तों। धन्यवाद। मैं बहन नंदिनी के साथ भी बात किया, उसका भी इस वीडियो में विश्लेषण होगा। ज़रूर आप इस वीडियो को देखना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। मैं अभी प्याला ग्राम के अंदर हूँ और ये नंदिनी है। यस, कैसे हो? ठीक है। ये बहुत बड़ी कहानी है और इनका सपना है बैंक में काम करने का, तो आप ज़रूर इसके लिए सपोर्ट करना इस बहन को और इनकी हर एक आर्थिक ज़रूरत पूरा हो। इनकी मम्मी का, इनका सपना है कि वो बैंक के अंदर काम करे और मैं भी चाहता हूं कि इस बहन को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए हम सभी को, इसलिए कि इनकी पढ़ाई के लिए और प्लस इनके जो अच्छा इंग्लिश सीखने के लिए, अच्छा एडुकेशन के लिए हम सब लोग अपना हाथ भार बढ़ाने के लिए मैं चाहूँ। स्कूल जाता है बच्चा, कौन देवे तुम्हारे क्या ना जावा ना स्कूल लगे ना तुम चक्कर बाबा ना मतलब दिन भर खेलते रहते हैं ना ये बच्चे लोग। स्कूल जाते हैं कि नहीं ये लोग? अच्छा अच्छा, बहुत कम जाते हैं मतलब, है ना, ज्यादा नहीं जाते शायद, है ना। हाँ वही तो, सब लोग ऐसे घूम रहे वो लोग। तो ये घर बनाया है 1,00,000 रुपए में, केवल टीन का है और मतलब कैसे रहते हैं गरीब लोग, है ना। हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में अभी भी ऐसे घर है और यहाँ पर जितने भी देखा जाए तो बहुत सारे कुछ कुछ अच्छे हैं, कुछ कुछ मैं इस वीडियो में फिल्मा रहा हूँ ज़रूर इन चीज़ों को। वो देखिए कैसे घर बना के रहते हैं, सही में बहुत कष्टदायक ज़िंदगी होती है हर एक लोगों की। तो दोस्तों, कैसा आपको वीडियो, कैसी लग रही है? हेलो